सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। और सर्वनाम के भेद है 6, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम और उसके 6 भेद, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। आइए फिर चलते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा? सर्वनाम की संज्ञा यानी परिभाषा, सर्वनाम के भेद और उन भेद अनुसार कुछ उदाहरण हमने देखे हैं। अब इस जानकारी के द्वारा हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। देखिए यहाँ पर हम ऐसे परिभाषा दे सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और उदाहरण दे सकते हैं, लता ने गाना गाया और वह अच्छी गायिका है। यहाँ पर लता यह संज्ञा है और उस संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होने वाला शब्द वह, यह सर्वनाम है। इस प्रकार हम उदाहरण सहित सर्वनाम की परिभाषा दे सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सबके नाम लिखिए। सर्वनाम के कितने भेद हैं, सबके नाम लिखिए। जैसे कि हम जानते ही हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। श्रृंखला में 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम और 6 निजवाचक सर्वनाम। यह क्या है, सर्वनाम के भेद है। प्रश्न ग, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा अब हमें लिखनी है। परिभाषा है, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ पर बोलने वाला, अगर मैं यह वाक्य बोल रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो बोलने वाले के बारे में यानी मेरे बारे में कहा गया है, यह मैं, यह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार हमने सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। सिलेक्ट राइट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए। कोई चिल्ला रहा है, रेखांकित शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है? कोई, यह सर्वनाम दिया है, हमें इसका भेद पहचानना है। कोई यानी निश्चित नहीं है, किसी और के बारे में हमें परफेक्ट मालूम नहीं है वहाँ पर कौन है, इसलिए कोई यह शब्द कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम परफेक्ट निश्चित रूप से नहीं जानते कि ये किसके बारे में कहा गया है, इसलिए कोई यह शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं, ख, कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, यह प्रश्नार्थ वाक्य का प्रकार है, प्रश्न वाक्य, प्रश्न पूछा गया है, रेखांकित शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है।
तो जाहिर है यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है? वह यानी जो पढ़ रहा है उसके बारे में बोला गया है पुरुषवाचक सर्वनाम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर ख प्रश्न देखेंगे। वह मेरा घर है, रेखांकित शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है? वह मेरा घर है। यहाँ पर अगर हम क वाक्य देखते हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर किसी के बारे में बोला गया है, जो व्यक्ति सामने बैठकर पढ़ रही है, इसलिए हमने उसको पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर बताया है। और यहाँ पर वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, देखिए वह मेरा घर है मीन्स किसी, वह मेरा घर है, यहाँ पर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है। पिछले वाक्य में हमने देखा था वह पुस्तक पढ़ रहा है, वहाँ पर किसी निश्चित व्यक्ति का पता चल रहा था, और यहाँ वह मेरा घर है, यहाँ पर किसी निश्चित वस्तु का पता चल रहा है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम न हो के ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं पुस्तक, वह पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है, और वह मेरा घर है, यहाँ पर वस्तु के बारे में बताया गया है। इसलिए ग वाक्य में वह यह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, और घ इस वाक्य में मीन्स वह मेरा घर है, इस वाक्य में वह यह सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, ज्ञ की ओर वाक्य है, जो बोएगा सो काटेगा। रेखांकित शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है? जो सो, जिसका उसका जैसा तैसा, संबंध बताया गया है। क्या बताया गया है? संबंध बताया गया है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इस प्रकार हमने कौन पूछ रहा है इसमें कौन प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर व्यक्ति के बारे में बताया गया, इसलिए वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह मेरा घर है, इस वाक्य में वह यह वस्तु, निश्चित वस्तु के बारे में बताया गया है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो बोएगा सो काटेगा, रेखांकित शब्द सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम है। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में मोटे छपे संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। क्या दिया गया है? मोटे छपे संज्ञा शब्दों के स्थान पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ शब्द मोटे छपे यानी बोल्ड, गहरे दिखाई दे रहे हैं। दिव्या 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 दिव्या, यह क्या है? संज्ञा, इसे हम नाउन कहते हैं। उसकी जगह हमें क्या करना है? सर्वनाम का उपयोग करना है, सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो देखिए, दिव्या प्रातःकाल उठती है, वाक्य है दिव्या प्रातःकाल उठती है। तो अब इस दिव्या संज्ञा शब्द के स्थान पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पर सर्वनाम प्रयोग करेंगे वह। वह प्रातःकाल उठती है, आगे का वाक्य वैसे के वैसे। दिव्या स्कूल जाती है, दिव्या यह संज्ञा के स्थान पर हमने वे स्कूल जाती है। ग, दिव्या की साइकिल
अच्छी है, दिव्या की साइकिल अच्छी है। तो दिव्या संज्ञा के स्थान पर हमने उसकी यह सर्वनाम का प्रयोग किया और वाक्य आगे जैसे कि तैसा रहेगा, उसकी साइकिल अच्छी है। घ है, दिव्या ने पुस्तकें ले ली, दिव्या ने, तो दिव्या की जगह हमने प्रयोग किया हुआ सर्वनाम है उसने, उसने पुस्तकें ले ली। आगे का वाक्य जैसा है वैसा ही रहेगा। दिव्या की माँ अध्यापिका है, दिव्या यह संज्ञा है, उस संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम प्रयोग किया उसकी, तो उसकी माँ अध्यापिका है। आगे के वाक्य जैसे के तैसे ही रहे हैं और हमने सिर्फ संज्ञा की जगह वह, वे, उसकी, उसने, उसकी यह क्या किए हैं, सर्वनाम प्रयोग किए हैं। चौथा प्रश्न है, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें सर्वनाम दिए गए हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर तुम, हम, कोई, कुछ, स्वयं, यह सब क्या है, सर्वनाम है। सब क्या है, सर्वनाम है। इन सर्वनामों को हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे हम संज्ञा को वाक्यों में प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हमें सर्वनाम को वाक्यों में प्रयोग करना है। सर्वनाम दिया गया है तुम, देखिए यहाँ पर हमने वाक्य किया है, तुम कहाँ से आए हो, प्रश्न पूछा गया है तुम सर्वनाम को लेकर, और वाक्य में प्रयोग किया गया है तुम कहाँ से आए हो। हम वीर बालक है, हम वीर बालक है, यहाँ पर तुम सर्वनाम इस्तेमाल किया, यहाँ पर हम सर्वनाम का प्रयोग किया। तीसरा यानी ग सर्वनाम है कोई, तो हमने यहाँ पर कोई सर्वनाम से जुड़ा वाक्य तैयार किया, घर में कोई आया है, घर में कोई आया है। चौथा यानी घ सर्वनाम दिया है कुछ, यहाँ कुछ गिरा है, तो हमने वाक्य तैयार किया कुछ सर्वनाम का प्रयोग करके, यहाँ कुछ गिरा है। ज्ञ यानी पांचवा सर्वनाम है स्वयं, निजवाचक यह सर्वनाम है, स्वयं के प्रति, अपने पति प्रति, खुद के प्रति यह सर्वनाम प्रयोग किया गया है, तो हमने स्वयं सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य तैयार किया है, अपना काम स्वयं करो। इस प्रकार हमने तुम, हम, कोई, कुछ, स्वयं, इस सभी सर्वनामों का प्रयोग करके इन सर्वनामों से वाक्य तैयार किया है। आइए चलते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? मीन्स वाक्य में ऐसा कौन सा नाम है, कौन सी व्यक्ति है, कौन सी वस्तु है जिसके लिए सर्वनाम का उपयोग किया गया है? सर्वनाम की परिभाषा ही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। देखिए पहला वाक्य है, गीता बोली मैं खाना पकाऊंगी। गीता बोली, तो गीता और मैं, यह गीता बोली है और वो मैं जो सर्वनाम है वो उसने किसके लिए बताया गया है, खुद के लिए इस्तेमाल किया, खुद के लिए प्रयोग किया, इसलिए मैं यह रेखांकित सर्वनाम गीता के बारे में बताया गया है, गीता के बारे में प्रयुक्त हुआ है। ख, रवि ने कृष्ण से पूछा तुम कब आओगे। यहाँ पर रवि और कृष्ण यह दो संज्ञा है और रेखांकित सर्वनाम है तुम, लेकिन यह तुम सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किस संज्ञा के लिए वो उपयोग में लाया गया है, तो कृष्ण के बारे में, रवि ने कृष्ण से पूछा, तो तुम यह सर्वनाम कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है। मैडम ने छात्रा को पुस्तक देकर
कहा इसे पढ़ लो। पुस्तक किसके लिए दी गई है? छात्रा के लिए, इसलिए यह छात्रा के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसे यह सर्वनाम छात्रा के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार पहले वाक्य में मैं सर्वनाम गीता के लिए, दूसरे वाक्य में तुम सर्वनाम कृष्ण के लिए, और तीसरे वाक्य में इसे सर्वनाम छात्रा के लिए प्रयुक्त हुए हैं। चलिए, यहाँ पर हमने पांचवें प्रश्न को भी हल कर दिया है। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। अनुच्छेद में से सर्वनाम शब्द छाट कर लिखो तथा उनका भेद बताओ। अनुच्छेद दिया गया है, उसमें कुछ वाक्य है, जैसे हम जंगल में बढ़े चले जा रहे थे। सचिन बोला, मैं डर रहा हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? कृष्ण ने पूछा, कौन डर रहा है? कोई मत डरो, मैंने कहा। हमारा प्रश्न है अनुच्छेद में से सर्वनाम शब्द छाट कर लिखो। पहले हमें यहाँ पर सर्वनाम पहचानने हैं, सर्वनाम शब्द छाटने हैं। तो देखिए, हम, मैं, तुम्हें, कौन, कोई, मैंने, यह क्या है? यहाँ पर इस दिए गए अनुच्छेद में से ये सर्वनाम है, इन्हें हमने अभी छाटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही सर्वनाम शब्द सभी लिखेंगे और इनके भेद बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने हम शब्द का भेद बताया है, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, फिर से पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हें, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन, जाहिर है यहाँ पर कौन यानी प्रश्न का उल्लेख हुआ है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और मैंने, निजवाचक सर्वनाम। यह है सर्वनाम के भेद दिए गए हैं। हम पुरुषवाचक, मैं पुरुषवाचक, तुम्हें पुरुषवाचक, कौन प्रश्नवाचक, कोई अनिश्चयवाचक, और मैंने निजवाचक सर्वनाम। तो यह क्या है सर्वनाम के शब्द, ये है सब सर्वनाम के शब्द और ये है उनके भेद। आइए चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। प्रश्न सातवां है, सही सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और कोष्टक में यहाँ पर कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, जैसे कि मेरा, मुझका, वह, वे, मेरा, मेरी, रामू, वह, वह, ईश्वर। और इस सर्वनामों का प्रयोग करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य है, वाक्य क, रवि प्रकाश डैश डैश भाई है। तो जाहिर है यहाँ पर हमें एक शब्द चुनना है, मेरा और मुझका। तो देखिए, रवि प्रकाश मेरा भाई है, रवि प्रकाश मुझका भाई है। सही सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में हमें शब्द दिए गए हैं, मेरा, मुझका, वह, वे, मेरा, मेरी, रामू, वह, वह, ईश्वर। हमें क्या करना है, इन दिए गए वाक्यों में सही शब्द का प्रयोग करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी सही शब्द चुनकर हमें वहाँ पर लिखना है। रवि प्रकाश डैश डैश भाई है, शब्द दिए गए हैं मेरा और मुझका। हम क्या करेंगे, दोनों शब्दों को लेकर वाक्य तैयार करके देखेंगे। पहले देखेंगे, रवि प्रकाश मुझका। अगर यहाँ पर हम मुझका ये शब्द लिखते हैं तो ये सही है क्या, मुझका भाई है? नहीं, ये सही नहीं है। फिर हम देखेंगे, रवि प्रकाश मेरा भाई है। तो यहाँ पर यह वाक्य हमें सही लग रहा है, तो यहाँ पर सही शब्द आएगा मेरा। दूसरा वाक्य है, जो अच्छा खेलेगा डैश डैश जीतेगा। जो अच्छा खेलेगा वह जीतेगा, तो यहाँ पर शब्द आएगा वह। जो अच्छा खेलेगा वह जीतेगा। इस स्कूल में डैश डैश बहन पढ़ती है।
मेरा बहन पढ़ती है या मेरी बहन पढ़ती है? मेरी बहन। बहन यह स्त्रीलिंगी शब्द है, इसलिए हम यहाँ पर मेरी बहन, मेरी शब्द का उपयोग करेंगे, मेरी। घ है, रामू हंस रहा है क्योंकि डैश डैश बहुत खुश है। फिर से हम ऐसे कर सकते हैं वाक्य, रामू हंस रहा है क्योंकि रामू बहुत खुश है। नहीं, हम ऐसे नहीं करते क्योंकि हम बार बार संज्ञा का उपयोग नहीं करते। संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं, सर्वनाम प्रयुक्त करते हैं। इसलिए रामू हंस रहा है क्योंकि वह, रामू की जगह पर हम वह यह सर्वनाम प्रयुक्त करेंगे। तो पहले वाक्य में मेरा, दूसरे वाक्य में वह, तीसरे वाक्य में मेरी, चौथे वाक्य में वह, और पांचवा वाक्य है ईश्वर दिखता नहीं किंतु ईश्वर कण कण में है। यहाँ पर भी अगर हम ईश्वर शब्द प्रयोग में लाते हैं तो फिर से दो बार संज्ञा का प्रयोग होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रयुक्त करेंगे वह शब्द। ईश्वर दिखता नहीं किंतु वह कण कण में है, यह शब्द सही आएगा। तो पहले वाक्य में मेरा, दूसरे वाक्य में वह, तीसरे वाक्य में मेरी, चौथे वाक्य में वह, और पांचवें वाक्य में भी वह यह शब्द हम लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने सातवां प्रश्न भी हल किया है। अब चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है मिलान कीजिए। आठवां प्रश्न है मिलान कीजिए। यहाँ पर सभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 सर्वनाम के भेद दिए गए हैं और यह सर्वनाम के यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। हमें क्या करना है? मिलान करना है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम दिया गया है तो इसमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पर अगर पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे तो आएगा इससे यह शब्द आएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा वह, निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा कुछ, यानी हमें कन्फर्म पता नहीं चलता, कुछ यानी कितना। प्रश्नवाचक अगर यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ, कौन, अपने आप, जैसा, वैसा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हमें दिखाई देता है कौन। संबंधवाचक, जैसा, तैसा, वैसा, उसका, इसका, उसका, तो यहाँ पर जैसा वैसा शब्द है तो संबंधवाचक आएगा जैसा वैसा। और निजवाचक आएगा अपने आप, खुद के बारे में, तो यह आएगा निजवाचक। इस प्रकार हम सर्वनाम के भेद और सर्वनाम के शब्द इन दोनों का मिलान कर सकते हैं। इस प्रकार हम उनकी जोड़ियाँ मिला सकते हैं। सर्वनाम के भेद, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम इससे, निश्चयवाचक सर्वनाम वह, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, संबंधवाचक सर्वनाम जैसा वैसा, और निजवाचक सर्वनाम अपने आप। आगे चलते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। इस इन दिए गए वाक्यों में से हमें सही सेंटेंस और गलत सेंटेंस चुनना है। पहला वाक्य है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वह वचन कहलाते हैं। इज इट राइट? नो, क्योंकि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें तो सर्वनाम कहा जाता है, इसलिए यह वाक्य गलत है। दूसरा वाक्य है, सर्वनाम के मुख्यतः 5 भेद है। अभी अभी हमने देखा मिलान करते हुए प्रश्न 8 में कि संज्ञा के भेद 6 है, तो सर्वनाम
सर्वनाम के भेद 6 है, तो यहाँ पर दिया गया वाक्य सर्वनाम के मुख्यतः 5 भेद है, यह भी वाक्य गलत है। तीसरा वाक्य है निश्चयवाचक से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है, राइट, क्योंकि हम उसी के आधार पर इस सर्वनाम के भेद का नाम ही रखा है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसमें हमें निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में पता चलता है, तो यह वाक्य सही है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यह भी गलत है, यह वाक्य भी गलत है, कोई यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यह वाक्य भी गलत है, क्योंकि कोई यह क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर हमें वाक्य दिया गया नहीं है, क्योंकि ये गलत है कि क्यों गलत है, क्योंकि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई इससे हमें निश्चित रूप से पता नहीं चलता किसी व्यक्ति के बारे में क्या बताया गया है, तो यह वाक्य भी गलत है। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, सही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, तो पहला वाक्य गलत, दूसरा वाक्य गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही, इस प्रकार हमने 9वें प्रश्न को भी हल कर दिया है। तो इस प्रकार हमने आज सर्वनाम के 6 भेद और उस पर दिए गए इन सभी प्रश्नों और उत्तरों को हमने यहाँ पर हल करके दिया है, उनके जवाबों का आकलन कर लिया है। इस प्रकार आज हमने सर्वनाम यह व्याकरण घटक अच्छी तरह से समझ लिया है। धन्यवाद।